नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज की कड़ी में मैं आज आपको कुछ वास्तु के सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ ज्योतिष में काल पुरुष और वास्तु में वास्तु पुरुष का कंसेप्ट है। वास्तु पुरुष, अगर आपने कभी किसी वास्तु किताब पे एक फोटो देखी हो कि एक मूर्ति जिसका सिर नॉर्थ ईस्ट में है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, और पैर नैऋत्य कोण दैट इज साउथ वेस्ट, और दोनों हाथ एक साउथ ईस्ट की और एक हाथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो केवल एक मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो उस मूर्ति के स्ट्रक्चर से मैं आपको वास्तु के सिद्धांत समझाने की आज कोशिश करूंगा। अगर आप देखें मूर्ति का जो चेहरा है वो ईशान कोण में है। अब आप देखें हमारे शरीर में हम कुछ भी चीज जो ऑब्जॉर्व करते हैं, जैसे अभी आप लोग मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो अपनी आंखों से देख रहे हैं आपका चेहरा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे अपने कान से सुन रहे हैं, अगर मैं आपके पास होता और मैंने कुछ सेंट पेंट लगाया होता तो आप मुझे अपनी नाक से सुनते, हम किसी को कोई प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अपने मुंह से लेते हैं, जो भी शरीर के अंदर चीज जा रही है, चाहे वो सांस है, चाहे वो पानी है, चाहे वो खाना है, कुछ भी जो हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने वायुमंडल से, एब्जॉर्बमेंट का जो जितना भी हिस्सा है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट इज द इनटेक जोन, कोई भी चीज हम रिसीव करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया वास्तु में कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारी खिड़कियां दरवाजे होने चाहिए ताकि वहां से एनर्जी अंदर आए। मैं आपको वास्तु पुरुष की मूर्ति और वास्तु के सिद्धांत का आपस में सामंजस्य बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमारा चेहरा और सारी इंद्रियां हमारी इधर ही हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ वास्तु में आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आप योर गेट शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, योर डोर्स एंड विंडो शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वो इसलिए कि हम चाहते हैं एनर्जी वहां से आए। दूसरी चीज आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट शुड बी द क्लीनेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ईशान कोण हमारे घर का सबसे ज्यादा साफ सुथरा पवित्र कोण होना चाहिए, और अगर किसी चीज को पवित्र बनाना है तो सबसे आसान तरीका होता है वहां एक मंदिर रखते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ एक मंदिर बना देंगे तो कौन अपने आप सबको पता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि आप मुझे कूड़ा नहीं करना है, मुझे जूते चप्पल नहीं उतारने, तो इसलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट को। और आप सपोज इट इज ऑफिस, तो आपका चेहरा, आप जितने भी एक आदमी अपने बॉडी में कॉस्मेटिक यूज करता है उसका 80% चीजें वो अपने मुंह पे यूज करता है, क्रीम पाउडर टिक्की बिंदी लिपस्टिक हम लोग फेस वॉश हेयर में शैम्पू, यानी नॉर्थ ईस्ट शुड बी द क्लीनेस्ट पार्ट, क्योंकि मैंने कहा कि आपका चेहरा आपका सबसे साफ सुथरा पार्ट होता है, उसको हम मेंटेन करें उस नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा। इसलिए हमने कहा कि बाद में जो वास्तु के बाद बाद के जो आचार्य हुए उन्होंने कहा आप यहाँ पर मंदिर बनाइए, क्योंकि जब मंदिर होगा तो अपने आप ही साफ सुथरा होगा। तो दूसरी चीज कि नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का सबसे ज्यादा साफ, हमारा ड्राइंग रूम हो सकता है, रिसेप्शन होता है, बच्चों का स्टडी का टेबल हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारा सिर भी है दिमाग भी है। और कहते भी है कि दो चीजें आपने बात और ऐड करूंगा, हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल वो है साफ फिजिकल सफाई, पर नॉर्थ ईस्ट में आपका दिमाग भी है, गंदगी आपके दिमाग में भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छा विचार रखें, अच्छा साहित्य पढ़ें। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है लेकिन आपके दिमाग का नॉर्थ ईस्ट, आपके शरीर का नॉर्थ ईस्ट खराब है, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चों का स्टडी रूम बना देते हैं, हम मंदिर बनाते हैं कि वहाँ बच्चे हैं पढ़ रहे हैं अच्छा काम हो रहा है, मंदिर है हम पूजा कर रहे हैं अच्छा काम हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा, नॉर्थ ईस्ट। अब इसी में जब हम आगे बढ़ें कि हमारे जैसा मेरा शरीर देखेंगे तो हमारे नीचे का हिस्सा भारी और ऊपर का हिस्सा हल्का होना चाहिए। यहाँ वास्तु का सिद्धांत आता है कि नॉर्थ ईस्ट शुड बी लोअर एंड लाइटर देन साउथ वेस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से हल्का और नीचा होना चाहिए। ये कैसे संभव है, जब आपका नॉर्थ साउथ से हल्का है और आपका ईस्ट वेस्ट से हल्का है तो अपने आप ही आपका नॉर्थ ईस्ट हल्का हो जाएगा। देखिए अगर मेरे ये पाँव हल्के हों तो मेरे शरीर के वजन को नहीं ले सकते, और ऐसा आप खड़े जैसे मोटे लोग या जो बच्चों को कोई पीलिया होता है देखो चल नहीं सकते, तो यानी हमारा जो घर का साउथ वेस्ट कोण है जो नैऋत्य कोण है वो भारी होना चाहिए, और हमारे घर का जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट वो हल्का होना चाहिए। तो हल्का कैसे होगा, नीचे कैसे होगा, कि अगर आपके घर में कोई अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, स्विमिंग पूल है, बेसमेंट है, तो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट करें। तो मैंने आज आपको एक, मैं अभी आप देखिए यहाँ पर वास्तु पुरुष की मूर्ति और आप जो मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्ट में उनका चेहरा है, तो तीन चीजें साफ सुथरा, इनटेक जोन खिड़की दरवाजे उस तरफ, और हल्का और हवादार। आज के लिए इतना ही, कल इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं नैऋत्य कोण के बारे में बात करूंगा। खुश रहें।